सो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द टॉपिक एटम्स. अब ये एटम वर्ड किसने कॉइन किया था? इट वॉज कॉइंड बाय ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस. ओके, नाउ एटम एक्चुअली होता क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट या बेसिक यूनिट ऑफ मैटर. किसी भी मैटर को अगर हम चाहें वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ठीक है, किसी भी स्टेट में अवेलेबल हो, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट है दैट इज एटम. सो वी कैन राइट एटम इज द स्मॉलेस्ट या फिर बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, ठीक है, विच कैन शो द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मैटर. विच मीन्स किसी भी सब्सटेंस का अगर आप एटम को स्टडी करेंगे तो एटम के अंदर उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी एग्जिबिट होगी, राइट? तो एटम के नॉर्मल स्ट्रक्चर को अगर हम स्टडी करेंगे तो वी कैन सी एक एटम में ये जो आउटर पार्ट है दैट इज कर्नल, ठीक है, आउटर शेल, और ये जो सेंट्रल पार्ट है दिस इज न्यूक्लियस. ओके, अब न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है एटम के? वी नो दैट कि एटम के न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. कौन कौन से? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, राइट? बाकी जो थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल है दैट इज इलेक्ट्रॉन. ये कहां रोटेट हो रहे हैं? दे आर रोटेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस. सो ये है हमारा थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन. अब ये जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है ये हम लोग कंबाइनली बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, दे आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास ऑफ एटम, राइट? एटम का मास उसके सेंट्रल पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करता है, राइट? अगर एटम के अंदर तीन पार्टिकल्स को अगर हम कंपेयर करेंगे तो वी कैन सी एक एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एग्जैक्टली उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वाइल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है ये एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इक्वल हो सकते हैं और उससे ज्यादा हो सकते हैं. ओके, दिस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो नोन एज एटॉमिक नंबर. ओके, रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Z, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नोन एज एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड बाय सिंबल A. ओके, फॉर एग्जांपल सोडियम एटम. अब ये जो सोडियम एटम है इसमें प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 11 है एंड न्यूट्रॉन्स एक ज्यादा है दैट इज 12. सो वी कैन से इसका एटॉमिक नंबर 11 होगा एंड एटॉमिक मास में हम लोग प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ऐड करेंगे दैट इज 23. ठीक है, तो ये एक एटम के अंदर ये जनरली तीन पार्टिकल्स होंगे और उनके बीच में ये रिलेशंस होंगे. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स एक्चुअली एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है. मॉलिक्यूल्स जो है एक स्मॉलेस्ट पार्ट हो सकता है एलिमेंट का एज वेल एज कंपाउंड का. मॉलिक्यूल क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स. नाउ इसको हम लोग एलिमेंट या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल बुला सकते हैं, ठीक है, और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी करता है इन द फॉर्म ऑफ डायएटॉमिक, ठीक है ना, ट्रायएटॉमिक फॉर्म. अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. ओके, अब मॉलिक्यूल्स को हम लोग दो डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड सेकेंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. ओके, अब जैसा कि मैंने ऊपर ही डिस्कस किया कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड, यानी दोनों के पार्टिकल हो सकते हैं. तो ये जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है ये एक्चुअली एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल होते हैं. दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, राइट? तो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल किसके होंगे? दे आर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड. होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कैसे बनता है? इट कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, व्हाइल हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. एग्जांपल देखते हैं. सपोज
H2। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोजन एलिमेंट का मॉलिक्यूल है और यहां पे दो एटम्स हैं, दोनों हाइड्रोजन एलिमेंट के ही एटम्स हैं, राइट। सो इट इज अ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। O2, Cl2, एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नाउ सिमिलरली एग्जांपल्स ऑफ हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब यहां पे एग्जांपल में एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइन होंगे, राइट, बिकॉज दिस टाइम दे आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। एग्जांपल H2O। नाउ यहां पे जो मॉलिक्यूल है इसमें दो एटम्स हाइड्रोजन के एंड एक एटम ऑक्सीजन का है, तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके, CO2, NH3, राइट, एक्सेट्रा। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को एक्चुअली जिस टेक्निक से मेजर किया जाता है दैट इज मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इट इज डिटरमाइंड बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ओके, दिस इज अ टेक्निक बाय विच एटॉमिक मासेस आर मेजर्ड। अब इनिशियली एटॉमिक मास को मेजर कैसे किया गया, तो इनिशियली एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड जो था दैट वॉज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है इट इज द लाइटेस्ट एटम, तो एक हाइड्रोजन के एटम को 1 यूनिट कंसीडर किया गया, ठीक है, और बाकी एलिमेंट्स को इसके साथ कंपेयर करके मेजर किया जाता था। लेकिन ग्रेजुअली ये कॉन्सेप्ट को चेंज किया गया और प्रेजेंट सिस्टम में हम लोग एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए जिस एलिमेंट को स्टैंडर्ड मानते हैं दैट इज कार्बन 12। ओके, अब ये जो कार्बन 12 का एटम होता है इसके मास को हमने एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट कंसीडर किया। सो 1 एटॉमिक मास यूनिट दैट इज AMU। नाउ वी आर आल्सो यूजिंग ओनली U। AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट एंड U मींस यूनिफाइड मास। सो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम, विच मीन्स अगर कार्बन 12 आइसोटोप ऑफ एटम को 12 इक्वल पीसेस में डिवाइड किया गया तो उसमें से 1 पीस का जो मास होगा दैट इज इक्वल टू 1 AMU। ओके, अब 1 AMU को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करें तो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए एक ट्रिक है। द वैल्यू ऑफ 1 AMU और U इज इक्वल टू 1/ Avogadro numbers of gram। अब Avogadro number कितना होता है, it is 6.022 × 10⁻²³। इसको solve करेंगे तो हमें 1 AMU की value मिलेगी in grams, which is equal to 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। So this is the value of 1 AMU। और ये जो value है it is also known as avogram। Okay, so 1 AMU को अगर हमें calculate करना है, for that we have to take the reciprocal of Avogadro's number। Now our next topic is average atomic mass। अब average atomic mass क्यों measure करना पड़ता है और इसको कैसे measure करेंगे ये हमें discuss करना है, ठीक है। इससे पहले मैं एक question पूछना चाहूंगा, तुम लोगों को पता है क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5। करेक्ट, सही बोला। अब ये क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 कैसे आएगा, सोचो एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 35.5 का मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से कोई एक पार्टिकल कैसा है, आधा। क्या ऐसा हो सकता है, अब हम लोग किसी एलिमेंट के अंदर आधा पार्टिकल देखेंगे, ऐसा होगा नहीं, हो सकता, राइट। तो ये एक्चुअली एवरेज है। अब एवरेज एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां अप्लाई करना है, तो जनरली क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं ना नेचर में एक से ज्यादा फॉर्म में मिलते हैं और ये जो फॉर्म्स हैं ये इनके आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स पता है ना, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो क्लोरीन के केस में भी ऐसा ही है, एक्चुअली क्लोरीन एक से ज्यादा आइसोटोपिक फॉर्म में मिलता है
और उसमें से जिस आइसोटोपिक फॉर्म का रिलेटिव अबेंडेंस ज्यादा है उसके एटॉमिक मासेस का एवरेज हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये कहां अप्लाई करना है एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट, ये उन एलिमेंट्स पे अप्लाई करना है जो मोर देन वन आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं मेंशन कर देता हूं, सम एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट एज मोर देन वन आइसोटोपिक फॉर्म, फॉर सच एलिमेंट्स द एवरेज एटॉमिक मास इज कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग इट्स मास नंबर एंड रिलेटिव अबंडेंस। नाउ इसको समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि क्लोरीन के केस में हम लोग एटॉमिक मास 35.5 काउंट कर रहे हैं, राइट। बट इसका मीनिंग ये भी होता है कि इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ऐड करके 35.5 आना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम 35.5 को कंसीडर कर रहे हैं एटॉमिक मास, विच आल्सो मींस कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में से कोई पार्टिकल हाफ यूज हो रहा है, बट ये एक्चुअली ऐसा नहीं है। यहां पे एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। फॉर क्लोरीन टू नेचुरल आइसोटोपिक फॉर्म्स हैं, फर्स्ट इज क्लोरीन 1735 विच इज अवेलेबल इन 75% एंड सेकंड वन इज क्लोरीन 1737 विच इज अवेलेबल इन 25%। सो यहां पे ये जो दो आइसोटोप्स हैं इनका परसेंटेज हमें गिवन है। नाउ वी कैन यूज दिस परसेंटेज एंड देयर मास नंबर टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास विच इज इक्वल टू 75% विच मीन 75 अपॉन 100 इनटू 35 दैट इज द मास नंबर ऑफ फर्स्ट क्लोरीन प्लस 25% मींस 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 37 दैट इज द मास नंबर ऑफ सेकंड आइसोटोप ऑफ क्लोरीन। नाउ इसका कैलकुलेशन हम करेंगे देन वी विल गेट 35.5 दैट इज द एवरेज एटॉमिक मास फॉर क्लोरीन। और क्लोरीन के अलावा ऐसे और भी कई आइसोटोप्स होते हैं जिनके एवरेज मास का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। कई सारे क्वेश्चंस में भी अगर इंफॉर्मेशन गिवन हो तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राम एटॉमिक मास और विच इज आल्सो नोन एज ग्राम एटम। नाउ ये ग्राम एटॉमिक मास ग्राम एटम एक मेथड है जिससे हम लोग एटॉमिक वेट को एक्सप्रेस करते हैं इन ग्राम्स। सो वी कैन राइट इफ एटॉमिक वेट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इट इज कॉल्ड ग्राम एटम। ओके, अब एग्जाम्पल्स की हेल्प से इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम एटम हाइड्रोजन, ओके, विच मींस इसका ग्राम एटॉमिक वेट जो है 1 ग्राम है, यानी ये 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा। ओके, सेकेंड अगर हमें बोला जाए कि इफ 2 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन है, विच मीन्स अब हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, इट इज 1 और यहां पे कितने हैं 2 ग्राम, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करो, वी विल गेट 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो यहां पे हम ये समझ सकते हैं ग्राम एटॉमिक वेट को अगर हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या करेंगे, जो भी ग्राम एटम गिवन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय दैट एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन है, ये सब बता सकते हो, अगर 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इसका मतलब कितने ग्राम ऑक्सीजन हुए, 16 ग्राम, वेरी गुड 16 ग्राम, समझ गए। एंड अगर किसी क्वेश्चन में
मेंशन करेंगे कि 2 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन है, तो हमें कैलकुलेशन में कितने ग्राम ऑक्सीजन यूज करना है? सर आंसर 32 ग्राम। यस करेक्ट है, 32 ग्राम। 4 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन दिया हो, 64 ग्राम। करेक्ट, समझ गए, 64 ग्राम। ठीक है, तो यहां पे हमें याद रखना है कि जब ग्राम एटम में एक्सप्रेस करेंगे किसी भी एलिमेंट के मास को, तो उसको अगर हमें ग्राम में कैलकुलेट करना है तो उस ग्राम एटम को उसके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दो। नॉर्मली एटॉमिक वेट को ही जब हम ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये ग्राम एटॉमिक मास होता है। तो यहां पे हमें ये याद रखना है कि हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक वेट कितना है, 1, ठीक है, और ग्राम एटॉमिक वेट कितना है, 1 ग्राम। 1 ग्राम, गुड, समझ गए। तो एटॉमिक वेट अगर बोलेंगे तो इट इज 1 U, और ग्राम एटॉमिक वेट 1 ग्राम है। एंड फॉर ऑक्सीजन एटॉमिक वेट कितना होता है, 16 U। वेरी गुड, 16 U, दैट इज 16 यूनिफाइड मास या फिर 16 AMU। और ग्राम एटॉमिक वेट कितना होगा, 16 ग्राम। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूलर मास। इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ओके, फॉर एग्जाम्पल, सपोज मॉलिक्यूलर मास ऑफ वॉटर, दैट इज H2O। अब वॉटर किस टाइप का मॉलिक्यूल है, इट इज हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, यहां पे हमें एटॉमिक मासेस का सम लेना है। हमें पता है कि यहां पे 2 × एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, राइट, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं एंड ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो हाइड्रोजन के एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, इट इज 1+, एंड ऑक्सीजन के एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, इट इज 16। ओके, नाउ वी विल गेट 2+ 16, व्हिच मींस इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, इट इज 18। ओके, नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल कैसे एक्सप्रेस होता है पता है, इट इज P4, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है। और कौन से टाइप का मॉलिक्यूल है, इट इज नाउ होमो एटॉमिक। गुड, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, बिकॉज सेम एलिमेंट्स के एटम से मॉलिक्यूल बना है। अगर इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 4 एटम्स के मासेस को ऐड करना है, राइट, तो मैं लिख सकता हूं एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस, राइट, मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, अब यहां पे जो 4 है ये एक्चुअली क्या है, इट इज एटॉमिसिटी। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, इट मींस नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहां पे डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, फॉस्फोरस का एटॉमिक मास कितना होता है, इट इज 31। गुड, और एटॉमिसिटी इज 4, देन वी विल गेट
124. So this is the molecular mass of phosphorus. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 4 टाइम्स ऐड करके भी कैलकुलेट कर सकते थे. 31 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे देन आल्सो हमें 124 मिलेगा, बट दैट विल बी लेंथी. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और इट इज आल्सो नोन एज ग्राम मॉलिक्यूल. सो वी कैन डिफाइन इफ मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स देन इट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूल. ओके, हम इसको समझने के लिए वी विल टेक फ्यू एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल में हम लोग दोनों टाइप के मॉलिक्यूल स्टडी करेंगे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी और हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी. ओके, तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जिसमें फर्स्ट मॉलिक्यूल जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज हाइड्रोजन. ओके, अब हाइड्रोजन के केस में मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? इट इज 2. ठीक है, जबकि अगर ग्राम मॉलिक्यूलर वेट पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा? 2 ग्राम हो जाएगा. समझे? सिमिलरली ऑक्सीजन है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 16 होता है, 16 एटॉमिक वेट होता है. याद रखना हम मॉलिक्यूल्स डिस्कस कर रहे हैं, तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? इट इज आल्सो 32 ग्राम. यस, तो ये याद रखना कि हाइड्रोजन जो है इट वाज H2, ऑक्सीजन वाज O2. ठीक है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है. ओके, नाउ एक हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल को भी डिस्कस कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड. यस, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? कार्बन डाइऑक्साइड इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन 12, ऑक्सीजन 2 एटम्स है, यानी 16 इंटू 2 32 प्लस 12 विच मीन्स वेरी गुड 44 मॉलिक्यूलर वेट है. और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 44 ग्राम. क्योंकि वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2. ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं. वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? इट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. यस, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, 18. एंड ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 18 ग्राम. ओके, तो ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर वेट एंड ग्राम मॉलिक्यूलर वेट के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, राइट? तो अगर हम किसी भी एलिमेंट के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? ग्राम मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करेंगे बाय देयर मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं, मैं ग्राम मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट, इससे हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर वेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं. लेकिन एक और एग्जांपल देखते हैं. अभी देखो, सपोज 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, विच मीन्स क्या होगा? 2 ग्राम मॉलिक्यूल के लिए क्या करेंगे? 64. यस, 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस O2 इज 32, विच मीन्स इट इज 64 ग्राम ऑक्सीजन. ओके, समझो, एक और एग्जांपल देख लेते हैं.
2 gram molecule of water H2O है, तो फिर क्या होगा? 36. Yes, 2 × 18 that is 36 gram of water. Okay, this is gram molecular weight.